हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अपन एक आज शेयर के बारे में बात करेंगे। ये ब्रोकिंग से रिलेटेड है, एंजल ब्रोकिंग। ये जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड वर्क्स होते हैं अपने बाइंग एंड सेलिंग का इक्विटी में, तो उससे है ये। इसका लास्ट ईयर IPO आया था अक्टूबर में, तब से अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो अपन आज इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज एक दिन की बात करें तो 0.57% की गिरावट है, 5 डेज में 7% का अप है, रिटर्न दे चुका है। 1 मंथ में 10% है, 6 मंथ में आप देख सकते हैं 6 मंथ में 153% है, और एक ईयर की बात करें तो एक साल में 217% के रिटर्न दिए है। और कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी NSE में तो 5 अक्टूबर 2020 में। ये कंपनी दोनों में रजिस्टर्ड है, NSE BSE में दोनों में। और कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देखेंगे तो आप 7.21 थाउजेंड करोड़ का है। और कंपनी आज के दिन हाई लगाया था 906 और लो बनाया था 866। कंपनी का 52 वीक हाइक से अपने 965 का है, जो अपने 52 वीक से अप्रॉक्स 12-13% डाउन है। अभी अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना डाउन है। करीब ये अभी इसमें दिख नहीं, वैसे अप्रॉक्स 10% डाउन है, बट फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका एक भी बेनिफिट है कि इसने अपने कस्टमर अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लिए हैं। तो अपन इसके एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या क्या बढ़ाया इसने। तो फ्रेंड्स, मैंने न्यूज़ निकाली इसकी, एंजल ब्रोकिंग से ओवर 80% ऑफ इट्स नियर 1 मिलियन न्यू कस्टमर आर अंडर 30। मतलब कि कस्टमर एंजल ब्रोकर ने मतलब कि अपने 1 मिलियन न्यू कस्टमर बनाए हैं थोड़े ही टाइम में, वो भी लॉकडाउन के टाइम से, पैंडेमिक। तो इसका भी और डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑन द बैक ऑफ द रिकॉर्ड ओवर 56% रैली इन स्टॉक प्राइस इन सेकेंड हाफ ऑफ 2020 आफ्टर द मैसिव राउंड इन द फर्स्ट हाफ ड्यू टू द पैंडेमिक्स ऑफ मिलियंस हैव एंटर द इक्विटी मार्केट। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन लेटेस्ट BSE डाटा विच शो इन्वेस्टर ऑन प्लेटफॉर्म क्रॉस 70 मिलियन इन दिस मंथ अर्लियर दिस मंथ। मतलब कि 70 मिलियन तक का एंजल ब्रोकिंग विच क्रॉस द 5 मिलियन कस्टमर बेस इन मई ऑन बोर्ड आर रिकॉर्ड 0.43 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट। ये आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, न्यू मतलब कि कंपनी ने मई ऑन बोर्ड आर रिकॉर्ड 43 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट डूरिंग दिस मंथ। सेड डैट ओवर 80% ऑफ इट्स न्यू कस्टमर आर अंडर 30 ईयर ऑफ एज। मतलब 30 साल की एज के लोग हैं जो 80% वही हैं, एंड 90% ऑफ आर फ्रॉम द स्मॉल टाउन। मतलब 90% उसमें स्मॉल टाउन से, नौ की बिग टाउन से। ऑन द बैक ऑफ द रिकॉर्ड 56% रैली इन द स्टॉक प्राइस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020 आफ्टर द मैसिव राउंड इन द फर्स्ट हाफ ड्यू टू द पेंडेमिक टेंशन टेंस ऑफ मिलियंस हैव एंटायर द इक्विटी मार्केट। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द लास्ट लेटेस्ट BSE डाटा विच शो इन्वेस्टर ऑन प्लेटफॉर्म क्रॉस 70 मिलियन अर्लियर दिस मंथ। तो फ्रेंड, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको मैंने इससे पहले भी CDSL का बताया था, CDSL वो कंपनी को भी फ़ायदा होता है, कस्टमर बढ़ेंगे, लेटेस्ट जो भी डीमैट से अकाउंट से ट्रेडिंग होती है तो उनको डेली फ़ायदा होता है उनको भी, और प्लस एंजल ब्रोकिंग को भी फ़ायदा होगा क्योंकि एंजल ब्रोकिंग ने अपने कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है कंपनी। इस अभी जो लेटेस्ट इनका रिजल्ट आया था उसमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करी थी, तो अपन एक बार उसका भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 2019 में था 431 और 2020 में 496 और एट प्रेजेंट मार्च तक का था 1020। और कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा लोन है जो कि 11,000 का है, जो पहले 866 का था, फिर 487 का कम हुआ था, बट अभी कंपनी ने फिर बढ़ा दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग में इतना वो चलता है, ये इतना मायने नहीं रखता शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये एक फॉर्मेलिटी है शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म मेन होता है। और अपन कंपनी का कैश एंड कैश भी देख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी का कैश बहुत ही अच्छा है, 4948 था, फिर 1375, अभी
करीब 1850 है, तो कंपनी का कैश एंड कैश है, कंपनी कभी भी अपने आप को डेब्ट फ्री कर सकती है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये अभी। तो फ्रेंड्स अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, मार्च 2 143 था, पहले 106 था, और सितंबर में 110 था, अभी जून में तो 57 था, और अभी 143 है, मतलब कि 150-200% की ग्रोथ पे है कंपनी। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब Q1 के रिज़ल्ट आएंगे इस कंपनी के, तो आपको ये चीज़ समझिए कि कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, कंपनी और निफ्टी फिफ्टी दोनों ही भागेंगे। तो अभी से आपको रैली दिखने लगी है मार्केट में, मार्केट अपस्ट्रेंड में जा रहा है, निफ्टी अपने 52 हाई के पास ही घूम रहा है। तो अभी एक अब रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, 1st 8 तारीख को TCS अपना रिज़ल्ट शो कर रहा है, तब देखिए तब से निफ्टी फिफ्टी अच्छा ग्रो करेगा आप, और निफ्टी का अच्छा रिज़ल्ट भी शो हो रहा है। कंपनी की अब सेल्स भी देख सकते हैं, कंपनी ने मार्च 2021 में 735 का था, जो अभी करीब डबल कर दिया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल ही कर दिया कंपनी ने। तो इनका बेनिफिट्स बहुत ही अच्छा है, इन फ्यूचर कंपनी लॉन्ग टर्म है, फंडामेंटल मल्टी बैगर स्टॉक्स है, और ये शेयर में आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर, उनके पास अभी 82% की होल्डिंग है, आप देख सकते हैं 82%, मतलब बहुत ही शानदार है। कंपनी कभी भी ऑफर फॉर सेल से अपना स्टॉक निकाल सकती है, बट ज़्यादा होल्डिंग रखे नहीं है। और पहले देख सकते हैं, पहले मार्च में 14% थी, 17 में 14, फिर 18 में 72, 19 में 72, मतलब अभी 82 बहुत ही अच्छा है, बट ऑफर फॉर सेल का थोड़ा सा डर रहेगा, बट इतना नहीं है, 7% ईजिली वो कम कर देंगे। अपने रिज़र्व भी देख सकते हैं कंपनी के अच्छे खासे, पहले लास्ट ईयर 500 के रिज़र्व थे, जो अभी 1000 हो गए, जस्ट डबल हो गई। बोरिंग अभी 11,071 रुपये की है लोन, वो तो फैसिलिटेशन मैटर में रहेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और प्रमोटर सॉरी फ्रेंड्स, ऊपर वो रेवेन्यू का मैंने बता दिया था आपको, प्रमोटर होल्डिंग इनकी 44.55 है, FIS के पास 5% है, DIS के पास 12% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 38% की होल्डिंग है। बहुत ही शानदार होल्डिंग रखती कंपनी भी, और प्रमोटर रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा अपने रखते हैं 38% का। तो आप जितना ज़्यादा कंपनी को टाइम देंगे उतना अच्छा रिटर्न दे। आप कोई भी इक्विटी कंपनी इक्विटी का शेयर बाय करते हैं, थोड़ा उसको टाइम देंगे तभी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी यहाँ तक फ्लैट चल रही थी, सडनली जंप लिए कंपनी ने, तो अपन देख लेते हैं कंपनी ने कब से जंप लिए। करीब इन कंपनी ने 200% के रिटर्न तो अभी अप्रैल से जुलाई तक में ही दे दी, मतलब कि, और उसके पहले कुछ भी रिटर्न नहीं थे, नॉर्मली होंगे 7% के रिटर्न थे, मतलब पहले जिन्हें होल्ड करके रखा उन्हीं को फ़ायदा हुआ कंपनी को 200% का। आप देखिए 200% करीब, और देखते हैं थोड़ा, 200 तो आएगा यहाँ, 200 सॉरी ये देखिए, जिनने दो अब सही बैठ गया है, 200% के रिटर्न किसको मिले होंगे, जिनने आप इस पीरियड में कंपनी का साथ दिया हो उन्हीं को ये 200% की बेनिफिट्स मिले होंगे। तो कभी भी कंपनी में आते हैं, कोई भी शेयर में आते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, मिनिमम क्वांटिटी से इन्वेस्ट करिए, लमसम अमाउंट कभी भी मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्समेंट करिए कि अपने शेयर पोर्टफोलियो कम से कम 10 शेयर तो ऐड करिए, और सबका जैसे 1000 आपके पास है तो 10 शेयर में 100-100 रुपये लगाना है, और कम से और पाँच जैसे तो आपका डिवेस्टमेंट होगा और आपको इजी रहेगा। जब उस मान लीजिए शेयर नीचे आता है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और अब जाता है तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, जब अपने 52 वी हाइक से 10-15% डाउन हुए तो उस समय आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको शेयर बाय और बाय ऑन डिप्स करना है, SIP कैसे करना रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइटम को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।